अल्लाम स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हेल्थ इकनॉमिक्स और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हेल्थ इकनॉमिक्स है क्या अच्छा जी हेल्थ इकनॉमिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा दूँ कि वट इज़ इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स हाउ आर सोसाइटी मैनेज इट्स रिसोर्सिस बिकॉज द वांट्सर सोसाइटी आर अनलिमिट एंड इट्स रिसोर्सिज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स ठीक है तो इकनॉमिक्स क्या है कि हाओ आर सोसाइटी मैनेज इट्स कार्स रिसोर्स ठीक है कि रिसोर्सिज कार्स हैं कार्स क्यों हैं बिकॉज दे आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू आर वांट्स नीड्स एंड डिजायर्स ठीक है तो इकनॉमिक्स एक, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो स्कॉर्स रिसोर्सिस की एलोकेशन सिखाता है कि हम अपने महदूद ज़रा को कैसे यूज़ करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो नीड्स हैं वांट्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं ठीक है तो जो हेल्थ इकनॉमिक्स है ये भी इसी तरह का एक सब्जेक्ट है इकनॉमिक्स की ही एक सब ब्रांच है सब कैटेगरी है अब हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है हेल्थ इकोनॉमिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द थेरीज टूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर अच्छा ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एप्लीकेशनस है इन इकोनॉमिक्स की थेरीज़ की टूल्स की और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है हेल्थ के ऊपर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर और हेल्थ के ऊपर ठीक है तो इकोनॉमिक्स थेरीज क्या है थेरी ऑफ डिमांड थेरी ऑफ सप्लाई थेरी ऑफ मार्केट इक्यूलिबरम ठीक है फिर टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जैसे डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स में हमारे पास रिग्रेशन है जिनको यूज़ करते हुए हम मुख्तलि मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं ठीक है मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप को हम टेस्ट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के हैं कॉन्सेप्ट में हमारे पास सिकारसिटी सिकारसिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑपरचुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्किट uh, का कॉन्सेप्ट है इस तरह के जो कॉन्सेप्ट इनको यूज़ करते हुए जो हम हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी इसमें रिसोर्स की एलोकेशंस को हम मैनेज करेंगे ठीक है कि रिसोर्स कैसे हम हेल्थ की तरफ कितने रिसोर्स एलोकेट किए जाए और हेल्थ केयर को जो रिसोसेज मिले हुए हैं लिमिटेड रिसोर्सेज उनको हम मुख्तलिफ यूज़ में कैसे एलोकेट कर सकते हैं मुख्तलिफ यूज़ में कैसे उसको तकसीम कर सकते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इकनॉमिक्स का ताल्लुक किस चीज़ से है कि कैसे हेल्थ इकनॉमिक्स हेल्थ केयर सिस्टम को मिलने वाले जो लिमिटेड बजट है उसको कैसे हेल्थ केयर सिस्टम के मुख्तलिफ यूज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे हमने जो अपना लिमिटेड बजट है उसको हेल्थ केयर सिस्टम के मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड करना है ताकि जो मैक्सिमम रिजल्ट्स और मैक्सिमम जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें ये देखिए मैंने लिखा है इकनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ठीक है इकनॉमिक का ताल्लुक कैसे है कि कैसे हम स्ार्स रिसोस को यूज़ करते हुए अपनी मैक्सिमम वांड्स को पूरा करते हैं ठीक है कैसे एक जो कंज्यूमर है वो अपनी महदूद आमदनी को यूज़ करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करता है कैसे वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सीम करता है कैसे वो अपनी सेटिसफेक्शन को मैक्सीम करता है इसी तरह से हम एक फर्म को देखते हैं कि कैसे वो एक फ़र्म जो है वो अपनी कॉस्ट को लागत को कम से कम करती है और कैसे वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है ठीक है तो हेल्थ uh, इकनॉमिक्स जो है ये भी हेल्थ इकनॉमिक कंसर्नस विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स विद इन द इकोनॉमी ठीक है कि एक जो इकोनॉमी है उसके जो रिसोर्स हैं उसके मुख्तफ़ यूज़ हैं उसको हमने डिफेंस में भी यूज़ करना है उसको हमने एजुकेशन सिस्टम में भी यूज़ करना है उसको हमने हेल्थ में भी यूज़ करना है तो कितने जो रिसोर्सेज हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम को एलोकेट किए जाएँ ठीक है एंड विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम टू डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअल्स और विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम उन वो जो रिसोर्स हैं लिमिटेड उनको कैसे मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमने डिवाइड है, कि करने हैं कितने रिसोर्स हमने एलोकेट करने हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए कितने रिसोर्सेज हमने एलोकेट करनी है डॉक्टर्स को हायर करने के लिए कितने रिसोर्सेज हमें एलोकेट करना होंगे एकमेंट जो है मेडिकल जो एकमेंट है उसको ख़रीदने परचेज करने के लिए कितना हमने मेडिसिन परचेज़ करने के लिए अपने रिसोर्सेज को रखना है और कितने रिसोर्सेज हमने पैरामेडिकल स्टाफ को एलोकेट करने हैं कितना बजट हमने उनको एलोकेट करना है ठीक है ये तो हेल्थ इकनॉमिक्स क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कह लें इसको इसको आप दूसरे वर्ड्स में कहें जैसे एक फर्म का है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसी तरह से इसकी टारगेट मैक्सिम जो मैक्सिमम टारगेट्स है उनको अचीव कैसे किया जा सकता है ये हमने देखना है हेल्थ केयर हेल्थ इकोनॉमिक्स में ठीक है देखिए स्कार क्या है एलोकेशन हैव टू बी मेड बिकॉज ऑफ स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्स जी हमारे जो जराए हैं वो महदूद हैं और जो हमारी ख्वाहिश हैं उनके मुकाबले में वो बेशुमार हैं ला तैदा हैं अनगिनत हैं बार बार पैदा होती हैं इसलिए हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें अपनी कौन सी जो ख्वाहिहिहिशात हैं उनको पहले पूरा करना है कौन किस किन को हमने बाद में पूरा करना है और किन को हमने छोड़ देना है वो हैव टू चूज ठीक है बिकॉज ऑफ स्कार्स रिसोर्स और इन देल्थ केयर सिस्टम भी ये ही सेम सिचुएशन है देर आर नाट इनफ रिसोर्स टू मीट ऑल द हेल्थ केयर नीड्स के जो हेल्थ केयर नीड्स हैं डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तकरीब जो एवरी इंडिविजुअल है वो उसको ज़रूरत है हेल्थ केयर की ठीक है कि हेल्थ केयर जो है वो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है और दुनिया में कोई भी ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जो कि अपनी सोसाइटी की तमाम हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करता है तो हेल्थ इकोनॉमिक्स यही सिखाती है कि कैसे एक सोसाइटी के जो रिसोर्स हैं उनको हेल्थ इकोनॉमिक्स की तरफ कितने रिसोस को एलोकेट किया जाए और हेल्थ इकोनॉमिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो जिसोसेज हैं उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बांटा जाए ठीक है अच्छा जी इकनॉमिक गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हमारी नीड्स और वांट्स के मुकाबले में कम हैं महदूद हैं आर दोज गुड्स विच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर स्कार्स एज कम्पेयर टू आर नीड्स फॉर देम एंड दे एंड दैट्स वाई दे हैव अ मार्केट वैल्यू यही वजह है कि वो हमें कीमतन मिलती हैं जैसे ऑक्सीजन है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है लेकिन वो कायनात में इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि वो कभी कम नहीं पड़ती इसलिए हमें ऑक्सीजन कीमतन ख़रीदनी नहीं पड़ती ये एक अल्लाह का गिफ्ट है जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल है ठीक है तो वो चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरत के मुकाबले में कम हैं उनके लिए उनको हमें कीमतन ख़रीदना पड़ता है ठीक है तो जितनी भी इकनॉमिक गुड्स हैं जितनी भी इकनॉमिक गुड्स हैं उन सब का सेलियंट फीचर ये है कि उनकी कीमत होती है उनको हमें कीमतन ख़रीदना पड़ता है और उन्हीं के लिए इकनॉमिक एनालिसिस जो है वो आ, किया जा सकता है ठीक है इकनॉमिक एनालिसिस कुड कैन बी डन ओनली फॉर इकनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो अब जो हेल्थ है हेल्थ जो है उसके साथ भी सेम मसला है कि हेल्थ केयर वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल हेल्थ फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड सो वी कैन रिगार्ड हेल्थ केयर एज एन इकोनॉमिक गुड ठीक है तो हेल्थ केयर इज़ अ सर्विस एंड हेल्थ इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट अच्छा जी आपको पता है किसी भी आ, जो हेल्थ केयर वांड्स हैं कि जरूरियात हैं वो लामहदूद हैं जबकि के हेल्थ केयर जो रिसोर्स हैं वो कम हैं कोई भी ऐसा दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जो कि तमाम अपनी सोसाइटी की जरूरियात को पूरा कर रहा हो इसलिए हम हेल्थ को हेल्थ केयर को एक इकनॉमिक गुड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और इसके लिए इकनॉमिक एनालिसिस जो है वो भी कर सकते हैं दैट्स वाई वी हैव स्टडीड द सब्जेक्ट हेल्थ इकनॉमिक्स अच्छा यहाँ पर मैं आपको डिस्टिंक्शन बताऊँ बिटवीन हेल्थ केयर और हेल्थ अच्छा बेटे जो हेल्थ केयर है ये एक सेट ऑफ फैसिलिटीज़ है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल्स को और हेल्थ केयर है इसकी फाइनल प्रोडक्ट है हेल्थ केयर इज़ अ सर्विस और जो हेल्थ है वो फ़ाइनल प्रोडक्ट है जैसे एक बीमार शख्स है वो हॉस्पिटल में गया उसको मुख्तु सर्विसेज प्रोवाइड की गई तो ये उसका हेल्थ केयर था हेल्थ केयर सर्विस थी ठीक है जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर आ गया वो हेल्दी हो गया उस हेल्थ उसकी रिस्टोर हो गई तो ये उसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट है तो हेल्थ जो है वो एक गुड है एक बेसिक इकोनॉमिक गुड है और जो हेल्थ केयर है वो एक सर्विस ठीक है अच्छा जी हेल्थ के बारे में हमने बात की कि इसके लिए रिसोर्स जो है, वो लिमिटेड हैं फिनिट हैं ना सिर्फ ये रिसोर्स लिमिटेड हैं बल्कि इनके आल्टरनेटिव यूजेज़ भी हैं यहीं से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि रिसोर्स टू द हेल्थ केयर सिस्टम नॉट ओनली लिमिटेड बट दे आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस अल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है कि रिसोर्स दैट आर डाइवर्टेड टू हेल्थ केयर सिस्टम कैन बी एलोकेटेड टू एजुकेशन ठीक है कि वो रिसोर्स वो बजट जो कि हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम को एलोकेट किया है वो एजुकेशन को भी दिया जा सकता था या उससे डिफेंस के अखराजा भी किए जा सकते थे या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो पैसे एलोकेट किए जा सकते थे यानी अगर हमें हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा रिसोसज़ एलोकेट करने होंगे तो हमें वो रिसोर्स दूसरे यूज़ से निकालने होंगे कि अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा बजट एलोकेट करेंगे तो या तो हम एजुकेशन को कम बजट देंगे या हम डिफ़ेंस को कम बजट देंगे या हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कम बजट देंगे ठीक तो है, है. है तो हेल्थ केयर सिस्टम के जो रिसोर्स हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस एग्जाम्पल में एजुकेशन का बजट ठीक है एजुकेशन के रिसोर्स हमने अगर हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करने हैं तो हमें हेल्थ एजुकेशन सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करना पड़ेगा यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है और ये जो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं इनको मैं एक वर्ड की फ़ाइल में कंपाइल करती जाऊंगी और वो मैं हर लेक्चर के साथ अटैच कर दिया करूंगी आप उसका प्रिंट ले लें और उसको साथ के साथ पढ़ती रहें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इसको साथ, के साथ ना पढ़ा तो फिर डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम ठीक है हाफिज़ ल्थ केयर इज़ एन इकनॉमिक गुड फॉर टू रीजन फर्स्टली अवेलेबल रिसोर्स टू हेल्थ केयर आर लिमिटेड एज कंपेयर टू इट्स वार्स के जो हेल्थ केयर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो उसकी ज़रूरियात के मुकाबले में कम है सेकेंडली दीज रिसोज हैव अल्टरनेटिव यूजेस और इन इन रिसोस के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो भी यही है रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज इट्स रिसोर्स आर लिमिटेड सो और उन रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज भी हैं कि हाउ आर सोसाइटी मैनेज इट्स कार्स रिसोर्स टू फुलफिल इट्स मैक्सिमम अनलिमिटेड वांट्स एंड दीज रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूज़ तो इसी बेस पे हम कहेंगे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है हेल्थ केयर है वो भी एक इकनॉमिक गुड है अच्छा जी फाइनली हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन uh, समझनी है बिटवीन नीड एंड वांट्स अच्छा जी हेल्थ केयर नीड्स कौन सी हैं और हेल्थ केयर वांट्स कौन सी हैं नीड क्या है आर डायर नेसेसिटी जब आपको हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरी और शदीद ज़रूरत हो उसको हम नीड कहेंगे जैसे अ पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक आ पर्सन सफरिंग फ्राम फीवर अ पर्सन सफरिंग फ्राम एनी इलनेस कि एक बंदा है जो वो किसी बीमारी का शिकार है तो जो उसकी हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो नीड है ठीक है जो उसकी ज़रूरत है हेल्थ केयर के लिए वो उसकी नीड है वांट क्या है टू इम्प्रूव हेल्थ तमाम वो हेल्थ केयर नीड हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर डिमांड टू इम्प्रूव हेल्थ ठीक है जितनी भी हेल्थ केयर के लिए डिमांड है जिसका ताल्लुक़ हेल्थ को इम्प्रूव करने से हो वो हेल्थ केयर वांट्स में आती हैं ठीक है जैसे रूटीन विज़िट टू अ डेंटल क्लिनिक जिसमें हम दांतों के रूटीन चेकअप के लिए जाएं इसी तरह रूटीन विजिट टू अ स्किन केयर क्लिनिक जिसमें हम स्किन की रूटीन चेकअप के लिए जाएं या वैसे ही अपनी जो नॉर्मल टेस्ट करवाने के लिए जाएं जाएँ मुख्तलिफ़ुम के तो वो क्या है हमारी हेल्थ केयर वांट्स हैं अब जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट जिस हेल्थ केयर को फोकस करती है उसका कंसर्न होता है नीड्स को फुलफ़िल करने से वॉन्ट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता ठीक है तो जब भी गवर्नमेंट फोकस करती है हेल्थ केयर पर तो उस गवर्नमेंट कंसर्नस विद नीड्स टू मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है